एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में स्वदेशी मैपल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात और सुरक्षा देने तथा अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया ने नागरिकों के लिए मैपल ऐप डेवलप किया है। इस ऐप को सभी नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हर नागरिक किसी भी प्रकार का अपना सुझाव दे सकते हैं और रोड पर चलते समय किसी भी जुलूस, वीआईपी कार्यक्रम या जाम की समस्या बनी है तो तत्काल इस मैपल ऐप से जानकारी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मैपल ऐप से पुलिस और डॉक्टर किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मैपल ऐप के बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक बच्चों को इस ऐप के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिससे कि बच्चे अपने घर के सभी सदस्य को जागरूक कर सकें। कार डीलरों को भी बताया गया है कि जो भी ग्राहक वाहन खरीदने आते हैं उनको भी इस ऐप की विशेषता के बारे में बताएं, जिससे इस ऐप का लाभ उठा सकें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में मैपल ऐप का प्रयोग करें ताकि एक सुरक्षित यातायात मिल सके। इस अवसर पर मैपल की टीम कार डीलर, शिक्षक, प्रधानाचार्य, महिला आरक्षी, उप निरीक्षक, TSI, ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कार डीलर की एजेंसी से कोई आया है? ये जानकारी है गोरखपुर में मेरे बगल में RTO गोरखपुर मंडल श्रीमती अनिता सिंह मैडम बैठी हैं, आपका भी स्वागत है। प्रधानाचार्य लोग, डाइट के प्रतिनिधि और कार डीलर्स और ट्रैक्टर डीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रत्येक थाने से सब इंस्पेक्टर हैं, महिला और पुरुष कांस्टेबल्स हैं और ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं। मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है आपस में। एक ऐप बना है मैपल्स के नाम पे, कैपिटल MAPPLS मैपल्स। मैपल्स ऐप के लिए पुलिस कर्मी भी इस्तेमाल करेंगे और सारे सिटीजन, सारे नागरिक इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको रियल टाइम ट्रैफिक आपको पता चलेगा जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो इसमें अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक अलर्ट मिलता रहेगा। आपको पता चलेगा कि अगर आपको बैटरीगंज से नौसढ़ जाना है तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि ट्रांसपोर्ट नगर पे आज रास्ता बंद तो नहीं है, वहाँ कोई VIP कार्यक्रम तो नहीं है। कई बार बहुत सारे त्योहारों के अवसर पर जिले में इंटरनेट डायवर्जन होता है, इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले हैवी व्हीकल्स का भी डायवर्जन होता है, तो ये ट्रैफिक की आपको रियल टाइम जानकारी मिल जाएगी प्रत्येक नागरिक के लिए। और इसमें ऐसी सुविधा भी है कि आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो डायवर्जन में या ट्रैफिक के इम्प्रूवमेंट में कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी उसके ऐप पर आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐप के बारे में आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, संबंध में हम लोगों को मिल सकेंगे। शिक्षा विभाग और ट्रांसपोर्ट एजेंसी कार डीलर्स जो यहाँ पर मौजूद है या विद्यालय में बच्चों के माध्यम से घर घर तक ये संदेश मैपल्स ऐप के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में आपके माध्यम से। अब मैं माई इंडिया के टीम लीडर जितेंद्र है डाउनलोड करके
जनता के कुछ लोगों को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा के इसके अंदर क्या उसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। लाइक जैसे मान के चलिए आपने वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इसमें क्या होगा कि नेविगेशन यूज कर सकते हैं। लाइक आपको कहीं पर जाना है, यहाँ से आप लखनऊ जाना चाहते हैं या यहीं से आप गोरखपुर के किसी एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो रास्ते में मान के चलिए स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, तो ये क्या होगा एप्लीकेशन आपको स्पीड ब्रेकर्स को दिखाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए कहीं पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है तो आप उसमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक जगह को मार्क करके एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक, तो क्या होगा एक डॉट क्रिएट हो जाएगा, उस डॉट के ऊपर क्या होगा आप उस लोकेशन का नाम डाल देंगे, इससे क्या होगा वो स्पीड ब्रेकर मैप के ऊपर अपडेट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा उस एप्लीकेशन के ऊपर दिखेगा, तो आपको क्या होगा एस्टिमेटेड टाइम दिख जाएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो आपको एक पता चलेगा कि कितने समय के थ्रू अपडेट कर देंगे, तो क्या होगा दूसरे लोग जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे कहीं और से आना जाना कर रहे हो, तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कोई दूर मिले, जैसे अभी नवरात्रों का टाइम था तो नवरात्रों के टाइम पे क्या होता है कि पूजा यहीं पर हो रही है, तो जिसकी वजह से वहां पर आप मेंबर्स टाइप करिए, यहाँ पर दिख रहा है जैसे एम ए पी बी एल एस और मैप माई इंडिया लिखिए तो एप्लीकेशन उसमें आ जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो शिवम है, ये आ रहे हैं आपके पास, आप बुला सकते हैं या आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं इसमें क्या है ना, हम लोग अभी पहले तो इंग्लिश में ही था सारा कुछ, अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इस चीज को अपडेट करते जा रहे हैं, लोगों की जैसे मान लीजिए लैंग्वेज वाला भी डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया है। मैप माई इंडिया ने एक मैपल्स नाम का ऐप डेवलप किया है, उस ऐप के माध्यम से रियल टाइम नेविगेशन नागरिक उसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इसके माध्यम से नागरिकों जो है अपने सुझाव भी दे सकते हैं और उनको प्रत्येक रोड और रास्ते के बारे में ये जानकारी मिल सकती है कि रास्ते में विभिन्न प्रकार के VIP मूवमेंट के कारण या सड़क पे काम होने के कारण या जुलूस के कारण या धरना प्रदर्शन के कारण किसी वजह से सड़क पर अगर कोई अवरोध है तो इसकी नागरिकों को रियल टाइम जानकारी मिल सकती है। इस पे सिटीजन भी अपलोड कर सकते हैं, अगर वो कोई चीज़ देखते हैं, ट्रैफिक वायलेशन देख रहे हैं, कहीं अवरोध देख रहे हैं, स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं, कोई दुर्घटना देख रहे हैं तो उसको अपलोड कर सकते हैं। इससे तुरंत इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास चली जाएगी, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी और पुलिस अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स सक्रिय होकर उनके उसके घायल व्यक्ति के जान बचाने में मैपल्स ऐप के माध्यम से मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो मैंने रियल ट्रैफिक के बारे में बात की, रियल टाइम ट्रैफिक के बारे में, इसमें आपको अल्टरनेटिव रूट सजेशंस भी मिलते हैं और एस्टिमेटेड टाइम भी मिलता है, ये मैप बहुत ही उपयोगी है। मैं गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूँ कि मैपल्स ऐप का अधिक से अधिक संख्या में उपयोग करें ताकि उनके लिए एक सुरक्षित और बाधा फ्री यातायात मिल सके। थैंक यू।